हमें पता है जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो नजारा बिल्कुल अलग होता है, जहां पर महिला दर्द से तड़प रही होती है और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में एक नए जीवन के इस दुनिया में आने की तैयारी करते हैं। हालांकि ये सब तो बड़ा ही ड्रामेटिक होता है, लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो कहानी थोड़ी पलट सी जाती है, क्योंकि इनका बच्चे को जन्म देने का तरीका काफी अलग होता है, जिन्हें देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, फिर भले ही वो आंसू खुशी के ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, पूरी तरह से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको जिन 10 जानवरों को दुनिया में आते हुए दिखाएंगे, उनके जन्म का दृश्य आपको वाकई में हैरान कर देगा। ट्विन टाइगर कब्स। चलिए सबसे पहले आपको हम दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक टाइगर के जन्म का दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि यूं तो टाइगर को काफी खतरनाक जानवर कहा जाता है, लेकिन जब बात अपने बच्चों को जन्म देने की आती है तो इनके सीने में भी दिल धड़कने लगता है। ऐसे में टाइगर यानी कि मादा बाघ एकांत में ही अपने बच्चों को जन्म देना पसंद करती है, जहां उन्हें किसी भी तरह की कोई असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती। और ये हम इंसानों की तरह दर्द से चाहे जितना भी क्यों ना तड़पे, लेकिन ये बड़ी शांति से अपने बच्चे को जन्म देती है। हालांकि एक बार में एक टाइगर 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन अधिकतर उनकी संख्या 1 ही होती है। ऐसे में आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह इस मादा बाघ ने जब अपने बच्चे को जन्म दिया तो साइड से दूसरे बच्चों को देखकर ये हैरान हो गई, क्योंकि इसे अंदाजा ही नहीं था कि इसके 2 जुड़वां बच्चे हुए हैं। चीता। चलिए अब एक और खतरनाक जानवर की बात करते हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि चीता कैसे बच्चों को जन्म देता है। वैसे ये कोई आम चीता नहीं है, बल्कि वर्जीनिया के चिड़ियाघर में मौजूद मशहूर चीता है, जहां ये मादा चीता पहली बार बच्चों को जन्म दे रही है। दोस्तों, चीता काफी ज्यादा संवेदनशील किस्म का जानवर होता है, ऐसे में इनके लिए बच्चों को जन्म देना काफी बड़ी बात है। लेकिन ये मादा चीता काफी ज्यादा डर रही थी, पर ये जैसे ही बच्चों को जन्म देने चली, वैसे इसके बच्चे निकलने शुरू हो गए, जो नजारा आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। 2014 के सितंबर महीने में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में मादा चीता ने 1 साथ 5 बच्चों को जन्म दिया था, वो भी पहली बार, जो कि वाकई में काफी शानदार है। और इन्हें जन्म देने के बाद वर्जीनिया में इसे और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। डॉल्फिन। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे प्यारे और समझदार क्रिएचर्स में से एक की, जो कोई और नहीं बल्कि डॉल्फिन है, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि आपको यह नजारा कहीं और देखने को मिलेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉल्फिन को जन्म देते हुए देखना बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। पर डॉल्फिन एक बहुत ही शांत और धैर्यवान जीव है, इसी वजह से जब डॉल्फिन अपने बच्चों को जन्म देती है तो वो तैरते हुए लगातार पुश करती रहती है, ताकि बच्चा बाहर निकल जाए, और ऐसा काफी समय तक चलता रहता है। लेकिन जैसे एक डॉल्फिन का बच्चा पानी में बाहर निकल जाता है, वैसे वो अपनी मदर के साथ ऐसे तैरना शुरू कर देता है जैसे उसने पेट से ही तैरना सीख लिया हो। वैसे दोस्तों, प्रकृति के नियम भी कितने अजीब है ना। हम इंसान के पास हमें सहारा देने के लिए माता पिता मौजूद होते हैं, इसलिए हमें चलने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जानवरों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। इसी वजह से उन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही चलना या तैरना आ जाता है, और इसका नमूना आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। एलिफेंट। क्या आपको पता है कि हाथी दिन के समय में अपना लेबर पेन सहते हैं, ताकि वो रात में डिलीवरी दे सके, क्योंकि अधिकतर मादा हाथी रात में ही बच्चों को जन्म देती है। और तो और, एक हाथी अपने बच्चे को पूरे 22 महीने तक अपने पेट में रखती है, जो शायद सिर्फ हाथी जैसे विशाल का जानवर ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों की तो 9 महीनों में ही हालत खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जब एक हाथी का बच्चा इस दुनिया में आता है तो इसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। अब आप एक मादा हाथी की पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं, जब वो अपने बच्चे को 22 महीने अपने पेट में रखती होगी तो उस पर क्या बीतती होगी, क्योंकि उसका वजन वाकई में काफी ज्यादा भारी होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं, अभी कुछ ही समय पहले प्रेग्नेंट हाथी को विस्फोटक खिलाकर मारने वाला शर्मनाक हादसा भारत के किस राज्य में हुआ, क्योंकि हम देखना चाहते हैं क्या अभी भी आपके अंदर उस हादसे से लगी आग जिंदा है या बुझ गई। खैर, आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट में देना जरूर। रिनोसोरस। दोस्तों, अब बारी है एक और विशालकाय जानवर की, जो कोई और नहीं बल्कि राइनोसोरस है, जिनका भी अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका लगभग हाथी जैसा ही है, क्योंकि ये भी अपने पेट में बच्चों को करीब 18 महीनों तक रखती है और फिर मादा राइनोसोरस इन्हें जन्म देती है। यहाँ पर ये साउथ अफ्रीकन राइनो अपने 3रे बच्चे को जन्म दे रही है,
ऐसे में जू में कैप्चर किए गए इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे इसने कुछ ही मिनटों के अंदर अपने बच्चे को जन्म दिया। और राइनोसोरस का ये बच्चा जन्म के कुछ ही समय में चलकर अपनी मदर के आजू बाजू घूमने भी लगा। इन चीजों से आप समझ गए होंगे कि राइनोसोरस का अपने बच्चे को जन्म देना इतना ज्यादा कठिन नहीं होता, बस उन्हें बैठने की देर होती है और वो आसानी से अपने बच्चों को जन्म दे देती है। लेकिन 2.5 साल तक अपने गर्भ में बच्चे को रखना वाकई में एक चुनौती जैसा लगता है। स्टिंगरे गिविंग बर्थ। अब आप एक और अनोखी वीडियो देखिए, क्योंकि शायद ही आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि आप इस पल के गवाह बनेंगे जब कोई स्टिंगरे अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि आप में से अधिकतर लोगों ने इन्हें बहुत कम देखा होगा, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको ये अद्भुत नजारा ही दिखा दिया जाए। ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं कि इस स्टिंगरे ने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया। हालांकि आमतौर पर एक साथ करीब 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये नजारा वाकई हैरतअंगेज है, जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तो यह है कि यहाँ पर एक 12 साल का बच्चा इस मछली को अपने बच्चों को जन्म देने में मदद कर रहा है, जहाँ वो इन छोटे छोटे बच्चों को मछली के शरीर से निकाल कर पानी में रख रहा है ताकि इसे इन्हें जन्म देने में दिक्कत ना हो। पर हाँ, आप ऐसी चीजें करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मछलियां वाकई में बड़ी खतरनाक होती हैं और इन्हें हाथ में पकड़कर खिलवाड़ करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। सी लायन। आइए अब आपको एक और अनोखी क्रिएचर का इस दुनिया में आने का नजारा दिखाते हैं, जहां सी लायन का अपने बच्चों को जन्म देने का ये तरीका कुछ कुछ इंसानों की तरह ही है, क्योंकि इन्हें भी काफी भयानक लेबर पेन से गुजरना पड़ता है, वो भी पूरे 7 घंटों के लिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जीव अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तड़प रहा है। हालांकि कई सारे सी लायन ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन ये उतने लकी नहीं थी, इसी वजह से इसे इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा है। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद अंत में इसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। दोस्तों, नजारा वाकई में काफी रेयर है, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। जिराफ। चलिए अब हम दुनिया के सबसे लंबे जानवर की बात करते हैं और देखते हैं कैसे एक जिराफ अपने बच्चे को दुनिया में जन्म देती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एक जिराफ अपने बच्चों को कभी भी बैठकर जन्म नहीं देती, बल्कि खड़े होकर जन्म देती है। ऐसे में उस नवजात बच्चे को 3 मीटर की ऊंचाई से जन्म लेते गिरना पड़ता है। पर आप खुद ही सोचिए, ये कुदरत का करिश्मा नहीं है तो और क्या है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद ये नवजात बच्चा सही सलामत बच जाता है और इसे पूरी तरह से होश आ जाता है और तुरंत खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इनके पैर बहुत लंबे होते हैं जो काफी कमजोर कड़ी है, और उसे मजबूत बनाने के लिए इन्हें शुरू से ही उन पर काम करना होता है। इसी वजह से जिराफ तुरंत खड़े होकर चलने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये कमजोर न रह पाए। हॉर्स। हो सकता है आप लोगों ने घोड़ों को कई बार जन्म देते हुए देखा होगा, लेकिन देखे तो आप लोगों ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी बहुत बार है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज जितनी बार देखी और सुनी जाए उतना ही कम है, और एक जिंदगी का इस दुनिया में आने वाले लम्हे को देखने से बेहतर भला क्या हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि घोड़े काफी स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को भी बहुत शांत और प्राइवेट तरीके से जन्म देते हैं, जहां इनका लेबर पेन ज्यादा अधिक नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद इन्हें कुछ पल की शांति चाहिए होती है। घोड़ों की सबसे शानदार बात यह है कि वो जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही लात मारना और भागना कूदना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें कोई भी मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं होती। कैंगरू। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कंगारू किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो उनके शरीर में ही होते हैं और अपना रास्ता बनाकर कंगारू के पेट में मौजूद थैली में पहुंच जाते हैं, जहां जन्म के वक्त वो दूर दूर से आपको कंगारू की तरह नहीं लगेंगे, क्योंकि इनका पूरा शरीर लाल होता है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर के शरीर में मौजूद थैली में पहुंच कर फीडिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं, वहीं से उनका विकास होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंगारू का आधा जन्म अपनी माँ के पेट से निकलने पर होता है और आधा थैले से बाहर निकलने में, क्योंकि जब कंगारू थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माँ की थैली से बाहर निकलकर असली दुनिया में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ आप लोगों ने तरह तरह के जानवरों को जन्म देते हुए देखा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।